आज की ये कहानी एक ऐसे मॉबस्टर के बारे में है जिसने अपने क्रिमिनल करियर में हजारों लाखों इलीगल काम किए, लेकिन वो कभी भी उन कामों की वजह से जेल ही नहीं गया। ये क्रिमिनल और कोई नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे लॉयल माफिया है और उसका नाम है टॉमी अकार्डो। अकार्डो ने अल्कपोन से ज़्यादा समय तक आउटफिट की सत्ता को संभाला, लेकिन 1957 के बाद जब IRS की इन्वेस्टिगेशन बढ़ने लगी, अकार्डो ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन ज्ञानसानों को दे दी और खुद को आउटफिट का कंसिग्लियर बना लिया। वो ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटी से दूर हो गया, लेकिन बाद में भी उसकी इतनी ही रिस्पेक्ट और पावर थी जितनी की पहले, क्योंकि आउटफिट के लिए जितना उसने किया था उतना किसी ने नहीं किया था। 1970 में अकार्डो ने कैलिफोर्निया में पाम स्प्रिंग्स में अपना एक घर खरीद लिया और अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगा। वो आउटफिट के लिए एडवाइसरी का काम करता था, लेकिन इसके अलावा उसने कई लीगल इन्वेस्टमेंट्स भी किए थे जिसमें कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग्स, रिटेल सेंटर्स, लंबर फॉर्म्स और ट्रैवल एजेंसीज भी शामिल थे। अकार्डो ने अपने जीवन के आखिरी साल बैरिंगटन हिल्स में काटे थे। वो बीमार रहने लगा था, जिसके बाद वो अपनी बेटी और दामाद के साथ वहीं पर रहने लगा था। 22 मई 1922 को रेस्पिरेटरी और हार्ट की समस्या की वजह से एंथनी अकार्डो की 86 ईयर्स में मौत हो जाती है। हजारों क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और क्राइम फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद भी एंथनी अकार्डो ने अपने पूरे क्रिमिनल करियर में केवल एक रात जेल में काटी थी। वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और एक ट्रू क्रिमिनल बिजनेसमैन था। उसने हमेशा आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम किया और अल्कपोन की गैर मौजूदगी में उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को आसमान तक पहुंचा दिया। वो पूरे शहर में इलीगल काम करता था, लेकिन उसके बारे में पुलिस को कभी कोई सबूत ही नहीं मिलता था। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, ड्रग डीलिंग, उसने अपने करियर में ये सब कुछ किया, लेकिन कभी भी इसकी वजह से उसे जेल नहीं जाना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी गैंगस्टर पे KGF 3 की कहानी बेस्ड हो सकती है। तो आप हमें बताइए कि आप KGF 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।